क्या चीज का एग्जामिनेशन का? कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं तू तो जांच कर रहा, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा जांच। जो बात आई थी वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तू दिख रहा बहुत अच्छे। यात्रा पर निकलने वाले हैं सर फिर? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक पेपर लीक मामला आखिरकार मुख्यमंत्री तक पहुंच ही गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बयान दिया है, सुनिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा। क्या चीज का एग्जामिनेशन का? कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं तू तो जांच कर रहा, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का एक घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तू दिख रहा बहुत अच्छे। यात्रा पर निकलने वाले हैं सर फिर? तो जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है वही बात कि प्रथम पाली में एक घंटा बाद जो है वो पेपर लीक कर गया और इसकी जांच चल रही है, अच्छे से जांच चल रही है। लेकिन आपको इसके साथ साथ बता दें हम कि बीएसएससी ने ये नियम बना रखा था अपने एडमिट कार्ड से पहले, दिशा निर्देश में ये कह रखा था कि प्रश्न पत्र किसी भी हालत में छात्रों के नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रश्न पत्र से दुनिया अनजान रहेगी, छात्र वहीं बनाएंगे वहीं जमा कर देंगे। बावजूद इसके द्वितीय पाली और तृतीय पाली तीनों के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। हालांकि सत्यता कितनी है इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन छात्रों का दावा है जो एग्जाम देकर आए हैं उनका कि यही प्रश्न पत्र है जो कि द्वितीय और तृतीय पाली में पूछा गया था। तो ऐसे में गोपनीयता जो है आयोग की वो भंग हुई है कि आखिर ये प्रश्न पत्र कैसे बाहर, इसका फोटो कैसे बाहर आ गया। या तो ये हुआ होगा कि मोबाइल ले जाना मना था, तब भी छात्र मोबाइल लेकर गए, फोटो खींचे और उसका आंसर कहीं से मंगवाएं, या फिर परीक्षा से पहले ही ये वायरल हो गया हो, सभी चीज हो सकता है। लेकिन जांच जो है वो प्रथम पाली तक ही टिका हुआ है और मुख्यमंत्री को भी यही सूचना है कि प्रथम पाली में एक घंटा बाद जो है वो क्वेश्चन लीक कर गया और उसकी जांच चल रही है। तो जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए और तीनों पालियों को लेकर जांच जरूर होना चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। चार लोग हिरासत में लिए गए हैं ईओ के द्वारा और छापेमारी और जाँच जो है वो जारी है और कहाँ तक पहुँचता है जाँच, कौन कौन पकड़े जाते हैं और क्या साजिश रचा गया था पेपर लीक से पहले, उजागर हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या उसका मामला जो है वो क्लियर होता है कि नहीं होता है, ये सब कुछ जो है अब जांच पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात है और उनको ये जानकारी पता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। क्या चीज का एग्जामिनेशन का? जो पेपर हुआ था कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, तू तो जांच कर रहा, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का एक घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तू दिख रहा बहुत अच्छे। यात्रा पर निकलने वाले हैं सर फिर?